हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइकल एंजेलो स्टोन के बारे में, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टोन्स में से है। इनके सोर्स, एप्लीकेशन, प्राइजेस, कलर शेड्स, डिज़ाइंस, पैटर्न्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी हैव कम टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोर्स इन इंडिया, जो कि एल डेकोर मैगजीन ने जिनको अपने यहाँ फीचर किया था और माइकल एंजेलो के ऊपर खास फोकस रहा। इस तरह के कई सारे अवार्ड्स और कई सारे रिकग्निशन के बाद में RMS स्टोन एक्स हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन सप्लायर्स इन इंडिया। लेट्स बिगिन विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वी विल शो यू माइकल एंजेलो। 6-7 महीने हो गए। जी, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। और आपका भी वापस अगेन वेलकम इन RMS। तो अब यही बोलना चाहूंगा कि संजीव जी, आज अपन कुछ आपको हमारा जो USP प्रोडक्ट है माइकल एंजेलो, ठीक है, इस पे अपन थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर पाएंगे। ऑलराइट, कि ऑलरेडी पहले भी मैंने अपने लास्ट जो वीडियो शूट हुआ था उसमें भी आपको मैंने ये बताया था कि माइकल एंजेलो इज अवर USP प्रोडक्ट। जी, वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ माइकल एंजेलो इन पैन इंडिया। इन पैन इंडिया वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर। लाइक माइकल एंजेलो की फर्स्ट प्रायोरिटी माइंस ओनर की RMS है। लाइक इफ यू गो टू पोर्चुगल डायरेक्टली, दे ऑल्सो माइंस ओनर आपको डायरेक्टली यही बोलेंगे कि अगर आपको बल्क क्वांटिटी परचेज करना है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू किशनगढ़ एंड RMS। ऑलराइट, RMS में बेसिक माइकल एंजेलो का आपको यूज कलेक्शन देखने को मिलेगा। लाइक एट प्रेजेंट मेरे पास 50-60 स्लैब्स रेडी मिलेगी। और इन्वेंट्री ब्लॉक्स की बात करी जाए तो ब्लॉक्स में आपको 400-500 टन ब्लॉक्स हमेशा रेडी मिलेगी स्टॉक एड में आपको 400-500 टन। डन जी। एज यू सेड, वी मेट 6 months ago. 6 months is a pretty long period. बिल्कुल करेक्ट। And in 6 months, Claptrap family has become from 5 lakhs to 6.5 lakhs. Correct, correct, correct. And all of them are lovely people. बिल्कुल। So 1.5 lovely people, those who have recently joined us. बिल्कुल। For them, we will take a small introduction of RMS. Okay. Then we'll move further about Michael. Okay. Right. Sure. Okay. Just so under Michael as a banner under the company. Correct. What all we have? Where do we import? Basic. Rather than Michael, we had. Other colors also we are importing from Turkey, Greece, Italy, Tanzania, Tunisia, from many other countries also. Like we had around 300 different colors, except Michael Angelo, 300 okay. different colors, beige, grey, onyx, white, different textures of marble we had in under one roof. And also we are manufacturer of Indian marble, of Makrana marble. We had on quarry in Makrana also. We had 3 manufacturing units in Makrana also. All right. It's a brief introduction about us. And in Kishangarh, we had 3 stockyards. Like one situated in Makrana Road, and second one is Paryavaran Road. Third, newly constructed around 80,000 square feet stockyard was under construction right now. All right. Yeah. Our expertise is into imported marble only. We do not deal in granite and Makrana. Makrana we have, right? Makrana we have. Imported we have. Okay. Indian we have. All right. Yep. Done. Today we are talking about Michael Angelo. Yeah. This is distinguished very differently because every single stone has a name of its own. As Correct. You said that. Correct. What is that particular characteristic of Michael Angelo? Michael Angelo ki agar basic upon trends ki baat kare, Sanjeev ji, to Michael Angelo is the hardest stone in the world. Ye basic ek stone hai jo sabse hard stone hai. इसका पॉलिश लश्चर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। प्लस ये जीरो कैविटी मटेरियल है, इसमें आपको कोई कैविटी परसेंटेज नहीं मिलेगा। प्लस थर्डली अगर अपन बात करें तो ये विदाउट फाइबर मटेरियल है। बाकी अगर अपन बेज एंड ग्रे सीरीज में अपन जाते हैं तो उसमें आपको फाइबर, मैश सब कुछ देखने को मिलेगा। बट एक माइकल एंजेलो ऐसा पत्थर है वो विदाउट मैश और विदाउट फाइबर तैयार होता है ये मटेरियल। उसका पॉलिश लश्चर बहुत अच्छा, बहुत एलिगेंट मिलेगा आपको देखने को। और माइकल एंजेलो में अगर वेरिएशंस की बात करें तो 7-8 वेरिएशन डिफरेंट टेक्सचर्स में आते हैं। वाइट बेस के साथ हल्का पीचिश आएगा, हल्का ब्लू टिंच आएगा, हल्का ग्रे टिंच आएगा। अलग अलग टिंच के अपन को माइकल एंजेलो देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। फॉर द पीपल दोज़ हू डोंट नो दिस, जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे अभी रिसेंटली हमने स्टडी किया आपके पास आने से पहले। बिल्कुल। फाइबर जो एलिमेंट होता है वो एक शीट होती है जो आपके स्टोन के पीछे लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब भी लगती है जब आपका स्टोन काफी ब्रिटल होता है। बिल्कुल राइट। स्टोन जैसे हल्का सा डेलिकेसी होती है स्टोन में, तभी हल्का डेलिकेट होता है तो फाइबर शीट और मैश की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अपना माइकल एंजेलो में माइकल में बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। एक्चुअली इट कंटेन 90-95% ऑफ कैल्साइट। ओके। यही एक मटेरियल है जिसमें आपको 90-95% कैल्साइट कंपोजिशन मिलेगा इस मटेरियल में। ऑलराइट जी। एंड आई गॉट टू नो, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यू आर द ओनली वन जिनके पास माइकल एंजेलो का सबसे बड़ा सोर्स है इन पैन इंडिया। इन पैन इंडिया वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ माइकल एंजेलो मार्बल इन पैन इंडिया। और हम जितना आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस दे पाएंगे माइकल का, पैन इंडिया आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। ये हम आपको ओपन चैलेंज कर सकते हैं।
ओके, रैंकिंग में अगर देखें, जब तक हमारी पीछे वो प्रोसेस तैयार हो रहा है, दो तीन चीज़ें और हैं वो पूछ लेते हैं। रैंकिंग में देखें तो आज माइकल एंजेलो बाकी सतवारियों से, बाकी चीज स्टोन से, इन सबसे कहाँ खड़ा होता है? सर माइकल टॉप मोस्ट पे है एस्थेटिकली। हाँ, अगर आप बात करो तो टॉप मोस्ट में माइकल है और सतवारियो है। एक्चुअल अगर अपन सतवारियों का भी कंपेयर करेंगे, वी हैड ऑल्सो यूज कलेक्शन ऑफ सतवारियो मार्बल, बट सतवारियों में हल्की वो आपको कैविटी परसेंटेज मिलेगा। अच्छा। और माइकल में आपको कैविटी और कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ये सबसे बेस्ट। हाँ, अगर बात करें हर डायमेंशन पे तो माइकल रैंकिंग में फर्स्ट करता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब इनमें फिनिश की बात करेंगे, लपाटो है या जो भी फिनिश है, हाई ग्लॉस है, सब हो जाती है इनमें? हाँ सर, सारे फिनिशेस हो जाते हैं, बट माइकल बेसिकली लोग फ्लोर पे यूज करते हैं तो दे विल प्रीफर हाई ग्लॉस पॉलिश। अच्छा, मतलब हाई ग्लॉस पॉलिश ही प्रीफर करते हैं लोग। ठीक है, इसमें लपाटो और ये सब कुछ फिनिश लोग बहुत यूजली कोई ट्राई नहीं करता इसमें, क्योंकि ये बेसिक हाई एंड प्रोडक्ट हो चुका है। ऑलराइट, तो प्रीमियम सेगमेंट के स्टोन है ये, सो लेट्स स्टार्ट, वी विल चेक दैट आउट। ऑल द प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स अभी हम देखने वाले हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे पैन इंडिया डिलीवर होंगे क्या? इनकी कोई क्वांटिटी आपने फिक्स की? पैन इंडिया डिलीवरी अगर मैं आपको बताऊं सर, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात करी तो माइकल अगर आपका मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट भी है तो हम पैन इंडिया डिलीवर कर देंगे इजीली। वो एक फिजिबल रहेगा और बहुत एक वाइबल रहेगा। ओके, 1500 स्क्वायर फीट है तो हम बहुत वाइबल कोस्ट पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे पैन इंडिया। डन। और जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके प्राइस थोड़े डिफरेंट होंगे। जी सॉरी, रिटेलर्स इज वेरी नॉइजी है ना? जी, तो आप थोड़ा आगे आइए। जी जी, जो हमारे रिटेल करना चाहते हैं, जो आपसे लेते हैं, उनके प्राइस थोड़े डिफरेंट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, होलसेल प्राइस में हल्का सा डिफरेंशिएट चलेगा और रिटेल प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा। ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं बोल सकते, अपन लिटिल बिट डिफरेंस मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत प्राइस में वेरिएशन मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अभी देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल आइए, दिस इज नंबर वन। हाँ, हाय संजीव जी, अपन अब बात करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉट की माइकल की। ये जो आप लॉट देख रहे हैं माइकल बेसिक, इसकी थोड़ी आपको ब्रीफ दे दूं जी, कि ये बेसिक माइकल एंजेलो में एक सोलोबामा क्वेरी है, जो प्रीमियम क्वेरी है माइकल में, पोर्चुगल में। अच्छा, ये उस क्वेरी का मटेरियल है, बहुत अच्छा लश्कर है, आपको दिख पा रहा होगा, प्लस आपके व्यूअर्स भी देख पाएंगे कि इसका जो पॉलिश लश्कर है बहुत एलिगेंट मिलेगा अपन को जी। और मतलब एक ऑनेक्स टिंच का माल आता है ये पूरा, फ्लोरिंग ऑनेक्स बोल सकते हैं आप इसे। और बेसिक अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो हम 18 और 20 mm थिकनेस में इसे प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल 18 और 20 mm थिकनेस में, जो ग्लोबली बिल्कुल स्टैंडर्ड थिकनेस है, उसी में प्रोसेस कर रहे हैं हम इस लॉट को। ठीक है, और ये आप जो लॉट देख रहे हैं अप्रोक्स इसका साइज है 8 feet by 4.5 feet, 8 feet by 4.5 feet का डायमेंशन है इस लॉट का। और प्लस इसकी अगर प्राइस रेंज क्राइटेरिया की बात करें अपन संजीव जी, तो इसकी प्राइस वेरी करेगी 600 to 800 के बीच में, 600 to 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके ठीक है जी, डन। इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये फिनिश्ड है कि इसको लगाने के बाद में फिर एप्लीकेशन के बाद में? दो पीस हम बेसिक सैंपल पॉलिश रखते हैं, दो पीस में आपको आइडिया लग जाए कि ये लगने के बाद कैसा लगेगा। बाकी जो पूरा लॉट लेगा, जैसे ये बेसिक इसका लॉट पड़ा है, अच्छा, तो ये पूरा रॉ फिनिश है, मतलब इसमें कोई भी फिनिश पीस नहीं है, ये दो पीस सैंपल पॉलिश कर रखे हमने, बाकी पूरा लॉट अनफिनिश रहेगा, वो आफ्टर लेइंग और आफ्टर इंस्टॉलेशन आपका फिनिश वर्क होगा। ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये जनरली आप अपने एंड से कराते हैं या आप भी करा देते हैं? नहीं नहीं, इन हाउस पॉलिश करवाते हैं हम खुद। अच्छा, जाने से पहले ये पॉलिश होगा? नहीं नहीं, ये बेसिक दो सैंपल पीस रहेंगे, बाकी कस्टमर के घर पे जाएगा तो आफ्टर इंस्टॉलेशन पॉलिश होगा। अच्छा, आफ्टर इंस्टॉलेशन है, ठीक है, डन। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास रिक्वायर्ड स्पेशली कोई रिक्वायर्ड देता है, किसी की स्पेशली रिक्वायरमेंट है कि हमें प्री पॉलिश चाहिए, तो हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, डन। अब सिर्फ एक सवाल और है कि ये रनिंग पैटर्न है, रैंडम पैटर्न नहीं है, इसमें बुक मैच होते हैं, कॉम्पैक्ट स्पेसेस में थोड़ा सा इसका वेस्टेज बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर अपना एरिया अच्छा है संजीव जी, तो अगर अपन 20x10 का भी एरिया है सपोज अपना, तो ओपन एरिया या लिविंग एरिया अपन जैसे बोल सकते हैं 20x10 का भी है, इसमें जीरो वेस्टेज आएगा। चलिए, बिल्कुल जीरो वेस्टेज आएगा। और प्लस अगर अपन इसको रैंडम पैटर्न में लगाना चाहे तो इसको रैंडम पैटर्न में भी यूज कर सकते हैं अपन। ओके ठीक है, आपने इसका प्राइस बता दिया, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 600 to 700 और 550 to 700 डिफरेंट लॉट्स है, और प्राइस डिफरेंट, हर लॉट का अलग अलग वेरिएशन होगा। डन, और वेरी करेगा हर लॉट पे। चलिए ले नेक्स्ट वन। ये देखिए संजीव जी, ये जो एक लॉट दिखा रहा हूँ आपको, बहुत एलिगेंट पैटर्न बोल सकते हो, और जो इसका टेक्सचर है वो, इसमें आपको जो पैटर्न्स मिल रहे हैं बहुत, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आप इसे वॉल एलिवेशन पे और कहीं हाईलाइट पर्पस में भी यूज करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा ये मटेरियल। बिल्कुल, इसमें पूरा एक रनिंग पैटर्न है। बिल्कुल एक रनिंग पैटर्न है, और अगर किसी क्लाइंट का और कोई भी व्यूअर है आपका,
जिनका अगर स्पेस लिविंग एरिया और घर का स्पेस अगर बंगलों का स्पेस कुछ बड़ा है तो दे कैन यूज। अच्छा बिल्कुल, ये भी माइकल एंजेलो है। ये भी माइकल एंजेलो का एक पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में ब्रीफ में बताया था कि माइकल एंजेलो में ऑलरेडी बहुत वेरिएशन आते हैं जी। लाइक ये एक अदर वेरिएशन है, ये भी सोलो मामा क्वेरी का है। इसमें आपको जो बेस है पूरा व्हाइट में हल्का सा ब्लू टिंच मिलेगा, पीचिश लाइंस मिलेगी और लाइट ग्रे वेंस मिलेगी पूरी। थोड़ा वो स्ट्रांग है ग्रे का। बिल्कुल बहुत स्ट्रांग मिलेगा थोड़ा। ओके बिल्कुल। ये क्या प्राइस रेंज में? इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 650 टू 700 के बीच में वेरी करेगा ये। ऑलराइट, 650 से 700 रुपए के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, बिल्कुल देखने को मिलेगा कि आफ्टर ले डाउन कैसा लगेगा। अच्छा, अगर इसको रनिंग में लगाया है तो किस बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एक लगा दिया, ये कॉन्सेप्ट की अपन मतलब कहीं एलिवेशन पे लगा रहे तो कैसा एक बेसिक आउटलुक आता है। ये देखिए आफ्टर ले डाउन, लुक एट द साइज जी। ओके, अब जॉइंट्स की भी बात करेंगे, इनके सीमलेस जॉइंट्स आते हैं सबके? सीमलेस जॉइंट्स बिल्कुल सर, इट्स डिपेंड्स ऑन दी मतलब आप कौन से कारीगर को, बेसिक जो अगर कारीगर की बात करी जाए कि सेम अप्लाई, जैसे बेसिक अगर अपन एक फॉरन एग्जांपल ले कि जैसे कपड़े का एग्जांपल लेते हैं अपन, एक कपड़ा कितना भी अच्छा ले लीजिए आप, टेलर अच्छा नहीं होता तो मजा नहीं आता। बिल्कुल सेम अप्लाई ऑन मार्बल संजीव जी, आप मार्बल कितना भी अच्छा ले लीजिए अगर आपका इंस्टॉलर और अगर लेबर बढ़िया नहीं है तो माल का नाश कर देगा। ठीक बात है। तो वी हैड ऑल्सो इन हाउस टीम, अगर कोई क्लाइंट हमसे रिक्वायर्ड करता है कि हमें इन हाउस टीम चाहिए मार्बल इंस्टॉलेशन के लिए तो हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। ऑलराइट, हमारी खुद की इन हाउस टीम है, अप्रोक्स 150 टू 180 लेबर्स वो अंडर आरएमएस के अंडर वर्किंग करते हैं बेसिक। ऑलराइट, ये सर्विस हम कहाँ तक देते हैं जी सर? ये कहाँ तक हम ये सर्विस? सर पैन इंडिया, पैन इंडिया, पैन इंडिया। अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है 2000-2500 स्क्वायर फीट मटेरियल इंस्टॉल कराना है तो हम इजीली फिजिबल होता है हमारे लिए तो हम प्रोवाइड करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, विल चेक आउट द नेक्स्ट वन। बिल्कुल, जब तक हमारा एक नया सेटअप रेडी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, माइकल का बिल्कुल, तब तक हम ये देख लेते हैं ये सतवारियो है। ये बेसिक सतवारियो है, अपन जो स्टार्टिंग में अपन बात कर रहे थे संजीव जी कि आप बोल रहे थे कि सतवारियो और माइकल दोनों के अपन कंपैरिजन की बात करें जी, सतवारियो इज आल्सो गुड मटेरियल। ये बेसिक इसका इंपोर्ट होता है वो इटली करारा, बेसिक ये इंपोर्ट हमारे पास इटली करारा से होता है। सतवारियो की मार्किंग भी हमारी बहुत अच्छी मार्किंग है, लाइक ईयरली वी आर इंपोर्टिंग अराउंड 1000 टन ऑफ सतवारियो। सतवारियो बिल्कुल ओके, तो सतवारियो की डिमांड भी हमारे पास बहुत अच्छी है। जैसा आप ये एक लॉट देख पा रहे हैं सतवारियो का, बहुत अच्छा लॉट है ये। सतवारियो में वेनेटिनो बोलता है इससे बेसिक, ठीक है, वेनेटिनो नाम है। और इसमें और वाइटनेस में जाएंगे तो और भी लॉट्स है मेरे पास। अच्छा, सतवारियों के अंदर भी आपको अलग अलग नाम? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे आपको और अलग अलग लोड्स मिलेंगे, मतलब बेसिक इट्स डिफर ऑन दी वाइटनेस। ठीक है, इसमें व्हाइटनेस पे डिफरेंस चलेगा सारा, जो आपका बेस व्हाइट है वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसे पैटर्न्स इनके ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज सेम होते हैं, ग्रे कलर के जो होते हैं। हां, बेसिक व्हाइट में ग्रे। सतवारियों का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाइट में ग्रे लाइन चलेगी, या सिंगल ग्रे लाइन चलेगी, या डबल ग्रे लाइन चलेगी, या मल्टीपल ग्रे लाइन चलेगी, बेसिक यही नेचर चलेगा सतवारियों में। ऑलराइट बिल्कुल। ये क्या प्राइस रेंज में? ये बेसिक अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 550 रुपीस। अच्छा, 550 रुपीस के वैरी करेगा। और इसमें और अगर अच्छी व्हाइटनेस में जाते हैं अपन तो अप टू 1500 रुपीस तक लॉट्स हैं मेरे पास। ओके, तो ये जो जो एक हम सबको डाउट होता है कि एक ही चीज सतवारियों जैसे आपने बोला वो अलग अलग प्राइस रेंज में क्यों होता है, वो आपने बता दिया कि उनकी व्हाइटनेस, व्हाइटनेस पर डिफर करता है। बिल्कुल, किस तरह से वो बनाए गए। बिल्कुल ओके, एक ये है व्हाइट वाला। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, ये थासोस व्हाइट है, ये भी बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है अभी हमारे पास। थासोस व्हाइट बेसिक इंपोर्ट की बात करी जाए इसकी तो बेसिक ये स्पेन से इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, थासोस व्हाइट ये भी बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ये टेस्टेड प्रोडक्ट है फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। बिल्कुल, तो 15 साल पहले भी ये यूज हो रहा था, आज भी यूज हो रहा है ये मटेरियल। ऑलराइट जी, इससे रिलेटेड मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है राहुल जी, मैं बताऊं आपको। आई वाज प्लानिंग माय हाउस इन मथुरा, ओके, एंड आई वाज लुकिंग आउट फॉर समथिंग ब्लू एंड व्हाइट, दैट थलासा लुक आई वांटेड टू क्रिएट, ओके, विद लॉट ऑफ टर्कोइज ब्लू एंड व्हाइट कलर फ्लोरिंग। एंड आई वेंट टू वन ऑफ द स्टोर्स नियर बाय, ओके ओके, एंड देयर वाज अ व्हाइट कलर फ्लोरिंग दे वर ट्राइंग टू सेल मी, एंड लेटर आई शोड इट टू द एक्सपर्ट ऑफ मार्बल। आई वाज नॉट डूइंग वीडियोस दोस डेज, ओके ओके, आई गॉट टू लर्न द फैक्ट दैट that was a composite he was trying to sell me as a stone. Okay. So there are a lot of fraudulence, there are a lot of people in the market जो लोग ये काम करते हैं कि आपको composite देते हैं. Actually, if we are talking about especially किशनगढ़ also, किशनगढ़ में भी अगर कोई भी customer client आता है, तो उनका अगर कोई भी हमारे पास भी basic calls आते हैं, तो they are basic मतलब उनको डर ये रहता है कि हम किशनगढ़ आ रहे हैं इतना दूर से, तो हमारे साथ ये fraud और ये cheating वाला ये बहुत चल रहा है अभी मार्केट में। अगर मैं यही बोलता हूँ कस्टमर्स, जो भी हमारे पास ऑनलाइन कस्टमर्स आते हैं बेसिक हमारे यूट्यूब चैनल से और बाकी अदर ऑनलाइन पोर्टल्स प्लस हमारी मार्केटिंग
एजेंसी बहुत टाइट है इस चीज़ में, डिफरेंट सोर्सेज से। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास। तो बेसिक हम यही प्रीफर करते हैं कस्टमर को कि आप आए और जो भी अच्छा मैन्युफैक्चरर है उससे आप डील करें, चाहे 10 रुपये 15 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़े, बट अच्छे मैन्युफैक्चरर से आप डील करें। ओके, अदरवाइज आप इस चीज़ के लिए गारंटी मत रखिए दिल में कि आपने जो लिया है वो बेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल, मेरे जैसे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ये नेचुरल तो स्टोन मतलब है, मतलब चीट होते होते बचा। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल स्टोन है, इसमें आप भी इतना नहीं समझ पाएंगे, कोई प्राइस टैग होता नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, ठीक बात है जी। और जो कॉम्पोजिट्स रहते हैं, जो केमिकल इंजीनियर्ड व्हाइट होते हैं, उनमें मैंने उनको बाद में देखा था टाइटन के शोरूम में, बिल्कुल एक घड़ी के शोरूम में था, और जो बिजी एरिया, जो ट्रैफिक एरिया था, वहाँ पे इतने सारे स्क्रैच पड़ गए थे कि आप उसको मतलब देखे तो बहुत खराब लगता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें इस व्हाइट में नहीं आती है। बिल्कुल, ये नेचुरल चीज है सर संजीव जी, बिल्कुल नेचुरल चीज है। और प्लस नेचुरल व्हाइट में अगर अपन बात करें, नेचुरल मार्बल में, तो ऑलरेडी इनमें 18 से 20 mm थिकनेस होती है। अच्छा। टाइल्स और कंपोजिट मार्बल की बात करें तो अपना क्या 10 से 12 mm थिकनेस मैक्सिमम, राइट 10 to 12 mm थिकनेस होती है बेसिक। और एक आप कितना भी कर लीजिए, नेचुरल स्टोन को कोई भी आर्टिफिशियल चीज कंपीट नहीं कर सकती कभी भी। बिल्कुल ठीक बात है, कंप्लीटली स्क्रैच फ्री, बिल्कुल ब्यूटीफुल बिजी एरियाज में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसका स्लैब साइज क्या है? इसका स्लैब साइज है अप्रोक्स 10x6। ठीक है, अप्रोक्स 10x6 का साइज है इसका। ऑलराइट, इनको अगर कोई छोटे पीसेस में काट के लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सीमलेसली जॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी। जी, ये भी अपन एक माइकल का लॉट देख रहे हैं, आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, बहुत यूनिक पैटर्न है पूरे लॉट का। जी, आप एक तरह से बोल सकते हो कि एक बटरफ्लाई पैटर्न और टेक्सचर क्रिएट हो रहा है इस लॉट में। Exactly, I was just thinking that. बिल्कुल, ये बेसिक, ये लॉट्स भी बेसिक फ्लोरिंग और प्लस हाईलाइट पर्पस में बहुत यूजेज आ रहे हैं। अच्छा, माइकल में बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, डिफरेंट वेरिएशन आते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स आते हैं माइकल में, हर तरह का टेक्सचर आपको अवेलेबल मिलेगा RMS पर, और प्लस हर लॉट का अपना यूनिक टेक्सचर है, यूनिक अपील करता है, बिल्कुल सबकी एक अलग अलग अपील है हर लॉट की, आप ये देख पाएंगे। ये पूरा ऑनेक्स टेक्सचर का है। इसके ग्राउंड की बात करें तो 80-90% आपको व्हाइटनेस मिलेगी और थोड़ा बहुत पीच एंड ग्रे का टिंच मिलेगा आपको इस लॉट में। ऑलराइट, बिल्कुल। ये क्या प्राइस रेंज में होगा? इसकी प्राइस रेंज 550 के बीच में वेरी करेगी। ऑलराइट जी, ठीक है, डन, वी विल चेक आउट द नेक्स्ट वन। बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। अब संजीव जी, अपन एक माइकल में दूसरा पैटर्न आता है माइकल ओरो, ये भी एक माइकल एंजेलो का वेरिएशन है, ये भी डायरेक्टली पोर्चुगल से आता है, बट इसका डिफरेंट सीरीज हमने नाम रख रखा है कि माइकल ओरो सीरीज है ये बेसिक। इसकी प्राइस रेंज 700-900 के बीच में जाती है। ठीक है, बिल्कुल। ये भी आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका, बहुत एलिगेंट टेक्सचर मिलेगा आपको, व्हाइट में हल्का सा ब्लू टिंच और हल्का सा ब्राउन टिंच देखने को मिलेगा आपको इसमें। राइट, बिल्कुल। और लॉट साइजेस आपको इसमें अप्रोक्स 3000 स्क्वायर फीट प्लस लॉट साइजेस देखने को मिलेंगे अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से एक हल्का सा शेड ऑफ ग्रीन भी है जो, बिल्कुल लिटिल आपको हल्का सा ये जो शेड मिलेगा, हल्का ग्रीन टिंच मिलेगा इस लॉट में जी, बिल्कुल हल्का हल्का सा। Okay. और बाकी आपको पूरा ऑनेक्स टेक्सचर मिलेगा इस माल में, जो इसका लश्शर और पॉलिश है वो आपको वीडियो में भी इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा जितना आप लाइव देख पा रहे हो अभी। Exactly. बिल्कुल। और बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट लगने के बाद में। बिल्कुल करेक्ट, जब आप इसको ले कर देते हैं प्रॉपर एप्लीकेशन के बाद में, इनका जो राइट लाइट रिफ्लेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक्चुअली। ये एक अपन देख रहे हैं वेयर हाउस में, और प्लस अगर अपने घरों में लग जाता है तो एक लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत मैटर करता है। स्पेशली आजकल जैसे COBs बहुत लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो सारा अच्छा रिफ्लेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको पैटर्न को क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं, एक तो आप बुक मैच कर सकते हैं। बिल्कुल बुक मैच कर सकते हैं, और अगर अपन चाहे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली चाहे जैसे लगा सकते हैं अपन, इसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। जब तक हमारा नेक्स्ट प्रिपेयर हो रहा है, बिल्कुल ये दिखा दें, ये माइकल में नहीं है। नहीं संजीव जी, ये बेसिक कैमोफ्लाज। अच्छा, ये बेसिक कैमोफ्लाज व्हाइट है, ये भी RMS का USP प्रोडक्ट है हमारा। अच्छा। आप बोल सकते हो कि ये भी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, एक्सोटिक सीरीज का मटेरियल हो गया ये, बिल्कुल कैमोफ्लाज व्हाइट। ये बेसिक क्वेरी है इसकी अल्बेनिया में। अच्छा, ये बेसिक अल्बेनिया से क्वेरी होता है। अच्छा। और इसमें कैमोफ्लाज व्हाइट एंड कैमोफ्लाज डार्क दो वेरिएशन आते हैं, तो मेरे पास आपको दोनों से तीनों वेरिएशंस देखने को मिलेंगे कैमोफ्लाज में। जो डार्क जिसको बोलते हैं उसमें बेस कलर हमारे स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पैटर्न बेस कलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसमें। अच्छा जी, जैसे इसमें बेस कलर अपन बात करें तो हल्का सा ऑफ व्हाइट मिलेगा आपको, हल्का सा ऑफ व्हाइट मिलेगा, और अच्छा। उसमें आपको डार्क ब्राउन मिलेगा। उसका वेरिएशंस भी अपन थोड़ा सा, अगर अपन वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करेंगे, बट फिर भी वो एक बार आपको क्लिप्स दिखा दूंगा उस लॉट का भी। ये क्या प्राइस रेंज? इसकी प्राइस रेंज 500-600 के बीच में वेरी करती है। ऑलराइट, डन। बिल्कुल, ये एक्सोटिक सीरीज में आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डन। नाउ वी आर रेडी, हमारा सेट रेडी है। अब अपन एक ये लॉट देख रहे हैं संजीव जी, ये भी माइकल का एक बहुत अच्छा लॉट है। ये देखिए जी, इसे मैकेबस माइकल बोला जाता है।
बेसिक इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल मैकेबस पैटर्न आता है। ये क्वेरी का नाम भी मैकेबस क्वेरी है इसकी बेसिक, और ये लॉट भी बहुत एलिगेंट आता है, वाइटनेस बहुत सूथिंग आती है जी। और जो इसकी आपको लाइट ग्रे लाइंस दिखेगी उसका भी पैटर्न बहुत एलिगेंट खिलेगा बिल्कुल। right. ये देखिए, ये लॉट साइज की अगर बात करी जाए संजीव जी इसमें तो अप्रोक्स 4.5 से 5,000 स्क्वायर फीट का लॉट है ये सिंगल। अच्छा बिल्कुल। और इसकी प्राइस रेंज की बात करी जाए तो अप्रोक्स ये 550 to 650 के बीच में वैरी करेगा। ओके बिल्कुल। माइकल का एक फीचर जो मुझे समझ में आ रहा है मोस्टली अगर आप देखें राहुल, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं होते इनमें, जैसे NSL में या फिर आप बाकी जगह देखते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट सोबर हैं ये। एक्चुअली ये क्या फ्लोरिंग आइटम्स हो गए सर। हाँ। तो बेसिक जो फ्लोरिंग आइटम्स रहेंगे वो हमेशा सूथिंग कलर में रहेंगे, जो आंखों को ठंडा रखे, और प्लस जो हार्डनेस होगी जो बेसिक ऑफ वाइट या वाइट टिंच में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा माइकल। ऑलराइट। तो एक्चुअली जो फ्लोरिंग पे बेसिक कलर प्रेफरेंस रहती है वो वाइट और लाइट कलर प्रेफरेंस ज्यादा रहती है रादर देन डार्क कलर। ऑलराइट बिल्कुल। अभी पिछले साल का जो ट्रेंड रहा वो मोस्टली अर्मानी बेज, बेज ब्राउन, बेसिक अपन बोल सकते हो ग्रे का। हाँ, ग्रे का भी बहुत ट्रेंड आया था, बेज का भी बहुत अच्छा ट्रेंड आया था, तो बट वाइट का ट्रेंड सदाबहार है। अच्छा, मतलब इट्स फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स, वाइट आज तक फैड नहीं हुआ है। अच्छा बिल्कुल। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल, अब पर्टिकुलरली फॉर बाथरूम। बिल्कुल संजीव जी। हाँ? अगर अपन बात कर रही है, एक ब्राजील का क्वार्ट्जाइट है, फ्लेमिंगो क्वार्ट्जाइट बोला जाता है इसे। अच्छा, ये बिल्कुल रस्टिक नेचर का पत्थर है जी। आपको इसमें एक नेचुरल बिल्कुल रस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, गोल्डन रस्ट और डार्क ग्रे रस्ट और ब्लैक का टिंच मिलेगा आपको इस स्लॉट में। ये बेसिक हाइलाइटर पर्पस एंड बाथरूम और प्लस पाउडर रूम, तो कहीं भी पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। बेसिक हमारे पास जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स आते हैं तो बेसिक उनसे जो हमें आइडियाज़ मिलते हैं तो दे विल प्रीफर इन द मैक्सिमम दिस कलर लाइक इन बाथरूम एंड पाउडर रूम्स। ओके okay. बिल्कुल। जनरली हमने इनका जो यूजेस देखा है वो अभी रिसेंटली हमने कई सारे इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ शूट किया। बिल्कुल। उन्होंने इसको जो जिस पे जो आपका फ्रंट वॉल होता है जिसके ऊपर आप मिरर प्लेस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मिरर के पीछे लगाते हैं। करेक्ट। क्योंकि मिरर बहुत ब्लैंड होता है। बिल्कुल। ये पैटर्न्स थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक फील क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, करेक्ट। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं, एक बार आप पूरा इसको जूम इन करके आप दिखाएंगे इस स्लॉट को, तो एक बहुत अलग टेक्सचर है स्लॉट का जी। मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग लाइट सभी पैटर्न, बिल्कुल एक रैंडम पैटर्न चलेगा ये। मतलब इसमें ना आप डार्क बोल सकते हो ना लाइट बोल सकते हो, एक रैंडम पैटर्न चलेगा इस स्लॉट का बिल्कुल। एग्जैक्टली। इसकी प्राइस रेंज की अगर बात करें संजीव जी, तो ये 300 to 350 के बीच में वैरी करेगा ये लॉट। ठीक है बिल्कुल, डन। ये हमने मैट फिनिश करा रखा है इसको। बिल्कुल, इसमें आप पॉलिश और आप जो बात कर रहे थे लपात्रो फिनिश, हाइड्रो फिनिश, वो अपन कर सकते हैं इस मटेरियल में, इसके अंदर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन में अगर हमें दो स्टोन्स को यूज़ करना है एक साथ में, तो कुछ प्लेन के वेरिएशन हमारे को इस शेड में से ब्लैक में कुछ प्लेन एब्सोल्यूट मिल जाएगा। बिल्कुल श्योर। आपको कलर्स ऑप्शंस बाकी अंडर वन रूफ आपको 350 कलर्स देखने को मिलेंगे मेरे पास प्लेन के। वाओ, अलग अलग। अगर आप ब्लैक में बोलते हो, ब्लैक में प्लेन चाहिए, गोल्डन में प्लेन चाहिए, सारे कलर्स अंडर वन रूफ आपको देखने को मिलेंगे मेरे पास। चलिए, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा वो भी। बिल्कुल, एक बार आपको ग्लिम्प्स दे दूंगा मैं थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है। बिल्कुल, जब तक हमारा वो माइकल रेडी होता है तब बिल्कुल तक कलर्स दिखा देते हैं। अब जैसे आपको एक बेसिक कलर दिखाता हूँ, ये अर्मानी ब्राउन। ओके। और ब्रॉन्ज अर्मानी भी इसे बोला जाता है। बेसिक ये मटेरियल बहुत एक सिंगल कलर बोल सकते हो आप इसमें, बहुत सूथिंग कलर है बेसिक, इसे वॉशरूम, हाइलाइटर, फ्लोरिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके। बेसिक ये जो डार्क कलर है ये आपको हमारे पास 250 to 350 के बीच में वैरी करेंगे ये सारे। ऑलराइट। अच्छा, ये एक ऐसा है राहुल, अगर आप देखें तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, डोंट नो, मे बी आई एम नॉट एक्सपर्ट, आप हैं एक्सपर्ट, अगर आप इसको किसी बहुत बिजी पैटर्न के साथ एज अ सिंपल पैटर्न यूज कर सकते हैं, अगर आपको लाइट फीचर वॉल बनाना है तो आप सिंपल इसको सोलो यूज करके प्योर वाइट या प्योर लाइट भी ले सकते हैं। बिल्कुल, और एज ए मतलब आपने ये सही बोला संजीव जी, और प्लस अपन इसे एज ए हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं कि लाइक अपन ने व्हाइट कहीं पे यूज कर रहे हैं तो वी कैन पुट दिस लाइक एज ए स्टार्टिंग और एज ए डिजाइन समथिंग लाइक। राइट, ठीक है, डन। और एक ये पैटर्न देखिए आप, जो कैमोफ्लेज में अपन बात कर रहे हैं, ये क्या प्राइस रेंज में था जो पहले देखा, ये वाला, ये 250 to 350 के बीच में वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू थिकनेस। ठीक है, एंड दिस वन, ये कैमोफ्लेज बेसिक जो अल्बेनियन मटेरियल अपन ने कैमोफ्लेज व्हाइट देखा था, ये उसी का दूसरा जो मैं बात कर रहा था, कैमोफ्लेज में एक डार्क कलर आता है, तो ये कैमोफ्लेज का एक डार्क कलर है। अच्छा बिल्कुल, ये भी बहुत अपने आप में एक यूनिक टेक्सचर आता है, बिल्कुल डार्क में हल्की हल्की व्हाइट विंग्स, और अगर अपन को विदाउट व्हाइट विंग्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा इसमें मेरे पास। ठीक है, अलग अलग वेरिएशंस आते हैं इसमें भी, ये क्या नेचुरल ब्लॉक है। इसकी प्राइस रेंज 450 to 500 के बीच में वैरी करती है, 450 से 500 रुपए के बीच में वैरी करती है। डन।
और ये क्या है हमारे पास व्हाइट में? ये स्ट्रेट लाइन में लासा व्हाइट, ये बेसिक वियतनाम से इम्पोर्ट होता है संजीव जी हमारे पास। बिल्कुल, अगर किसी को एक सिमिलर पैटर्न चाहिए और सिमेट्री चाहिए घर में, स्ट्रेट वेन्स चाहिए, तो इस मटेरियल में जा सकते हैं। और ये अगर व्हाइट में अगर अपन बात करें तो व्हाइट में पॉकेट फ्रेंडली मटेरियल की बात करें तो लासा व्हाइट सबसे पहला ऑप्शन आता है। क्या प्राइस रेंज में होगा इसकी? प्राइस रेंज 200 के बीच में वैरी करती है। और 200 रुपीस पर स्क्वायर फीट, 18 mm थिकनेस। जो लॉन्ग गैलरीज होती हैं होटल की, लोग जनरली इस तरह का प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तरह का एक पैटर्न क्रिएट करते हैं स्ट्रेट जाने के लिए। बिल्कुल, लाइंस क्रिएट करते हैं, पैसेज में बड़ा अच्छा दिखता है। बिल्कुल वही संदीप जी। चलिए ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। नेक्स्ट सेटअप इज रेडी। ओके, बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। बिल्कुल, बहुत एलिगेंट पैटर्न है। ये भी एक माइकल एंजेलो का वेरिएशन है संजीव जी। अपन जो माइकल में बात कर रहे थे तो माइकल में एक ये वेरिएशन भी आता है। बहुत अच्छा पैटर्न आता है, बहुत यूनिक टेक्सचर आता है। Right. व्हाइट ग्राउंड के साथ इसमें आपको हल्का सा पैटेगोनिया पैटर्न बोलते हैं हम इसे। अच्छा। बेसिक ये जो पैटर्न है ब्राजील का एक मटेरियल है पैटेगोनिया, उसमें मटेरियल में आता है, तो इसे हमें माइकल पैटेगोनिया बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 500 से 600 के बीच में वैरी करता है ये लॉट। ऑलराइट जी, और बहुत एलिगेंट है। अगर बड़ा एरिया है तो ये पैटर्न अगर लगेगा अप्रोक्स अपन मतलब बेसिक अगर कोई क्लाइंट है उसको वो कोई डिमांड करता है कि इसका कोई लिंक कैप्चर फोटो चाहिए हमें आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसको लगाने का तरीका वही है, आप इसको डायमंड पैटर्न क्रिएट होगा इसका। डायमंड पैटर्न होगा, और अगर अपन चाहिए पैटेगोनिया पैटर्न है तो उसको भी वर्टिकल लगा के यूज कर सकते हैं अपन इसका। अच्छा, बिल्कुल। ओके ठीक है, ये क्या प्राइस रेंज में? ये 500 टू 600 के बीच में वैरी करेगा संजीव जी। ऑलराइट ठीक है, चलिए। ये लॉट भी बहुत अच्छा है। अच्छा है, और इसमें बस ये है कि अक्सर हम लोग इस बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव इनपुट देते हैं। बिल्कुल, जैसे जितने बिजी पैटर्न रहते हैं, आपने देखा आजकल होटल्स में जो फीचर वॉल की तरह पीछे रिसेप्शन काउंटर के पीछे बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल है और अपना होटल, हॉस्पिटल्स हो गए और प्लस जो भी फाइव स्टार अच्छी गुड प्रॉपर्टीज हो गई, अच्छे रिजॉर्ट्स हो गए, तो दे विल प्रेफर दिस टाइप्स ऑफ स्टोन्स, फीचर वॉल्स, और प्लस उनकी जो वॉल क्लैडिंग होती है मतलब अप टू 30 feet तक वो वॉल क्लैड करते हैं। अप टू 30 feet जी, बिल्कुल। एक और यूजेस है जो इंडिया में बहुत कम है लेकिन हम बाहर के किचन में देखते हैं, जो है आइलैंड किचन में बनाने के लिए। सॉरी, आइलैंड किचन, आइलैंड किचन, आइलैंड किचन्स, करेक्ट। तो एक पैटर्न मैच करते हुए पूरा आइलैंड बनाते हैं, वर्टिकल और फिर प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, right? बिल्कुल, वो इन सब में बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब आप जो ये पैटर्न की बात कर रहे हो आइलैंड किचन, वो इंडिया में भी अभी ट्रेंडिंग हो चुका है। अच्छा, इंडिया में भी अगर अपन बात करें महाराष्ट्र साइड में तो बहुत अच्छी डिमांड है, और प्लस आइलैंड किचन का कॉन्सेप्ट आ चुका है उधर भी। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, उसमें बड़ा अच्छा लगता है ये। आप नीचे से देखिए रनिंग पैटर्न होता है इसका। चलिए अभी हम कुछ कलर्स देख लेते हैं। बिल्कुल, आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ जी संजीव जी, कि अपने पास जो कलर्स का कलेक्शन है वो भी अगर कोई कस्टमर क्लाइंट व्यू करता है कि बेज कलर रिक्वायर्ड है या ग्रे कलर रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास ग्रे में भी बहुत अच्छे वेरिएशन मिलेंगे, बेज में भी बहुत अच्छे वेरिएशन मिलेंगे। ग्रे में अगर अपन बात करें तो अभी सबसे हाई डिमांड प्रोडक्ट है हमारे पास आइसबर्ग ग्रे। अच्छा, ये आपके पास हमेशा रहता है? ये हमेशा आपको जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी हम फुलफिल कर देंगे। अच्छा, बेसिक हमारा काम होलसेलर है, एज ए होलसेलर वी आर डीलिंग, लाइक हमारा जो इंपोर्ट है वो हर मटेरियल का आपको बल्क क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट वाला भी हमसे रिक्वायर्ड करता है कि हमें एक ही कलर का मटेरियल 50,000 square feet चाहिए, तो हम वन शॉट प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम आप जानते हैं हम किन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े वो रिटेलर हैं। बिल्कुल, आपके पास थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो यहाँ से ले रहे, तो उस दिन हमने समझ गए थे कि आप बिल्कुल, बिल्कुल, से वो रिटेलर भी हमारे पास आए हुए थे, दे आर द बिग टाइकून इन मार्बल इंडस्ट्री, तो वो भी हमसे डायरेक्टली परचेस करते इधर से। ओके जी, बिल्कुल, हम होलसेल एज ए पैन इंडिया होलसेल कर रहे हैं सर संजीव जी, बिल्कुल करेक्ट। राइट, वी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी डिड नॉट शूट हिम। और एक ये पैटर्न देखिए संजीव जी, ठीक है, डन। ये बेसिक, इसका प्राइस नहीं बताया आपने। इसका प्राइस जो आपको आइसबर्ग दिखाया था, इसका प्राइस 250 to 300 के बीच में वैरी करेगा, 18 mm थिकनेस में। और ये अपन बात कर रहे हैं, ये भी मेरा एक USP प्रोडक्ट पकड़ सकते हैं आप बेज कलर में। बेज में ब्रेशिया मटेरियल है, ब्रेशिया अरोरा मार्बल। अच्छा, इसकी बेसिक क्वेरी की बात करें तो ये बेसिक इंपोर्ट हो रहा है इटली से, और ये मटेरियल भी बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। कैविटी की बात करें तो इसमें बहुत लेस कैविटी आती है। अच्छा, बेज एंड ग्रे में बाकी के कंपेयर करोगे तो आप ब्रेशिया में आपको कैविटी बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। और ये एक ऐसा पैटर्न है, इसमें बेज में हल्का सा पिंकिश टिंच मिलेगा आपको,
और एक बहुत यूनिक पैटर्न देखने को मिलेगा इस मटेरियल में. ऑलराइट, एक रैंडम पैटर्न देखने को मिलेगा. ठीक है, अब क्योंकि रोज गोल्ड इज अ वेरी फेमस मेटल कलर दीस डेज. बिल्कुल, तो जो लोग अपने घर में वो फर्नीचर यूज कर रहे हैं जिनमें रोज गोल्ड मेटल आता है, ये भी बड़ा अच्छा मैच हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये भी एक वेरिएशन हो गया अपना ब्रेशिया का ही हो गया. संजीव जी, ये भी बहुत अच्छा वेरिएशन हो गया. अच्छा, ब्रेशिया का ये देखिए, ये क्या रेंज में, इसकी प्राइस पॉकेट फ्रेंडली रहेगी, 200 टू 230 के बीच में वेरी करेगा. ऑलराइट, बिल्कुल. एंड दिस वन, ये बेसिक वोला कास्ट व्हाइट. अच्छा, इसको अरबेस्केटो व्हाइट भी बोला जाता है, व्हाइट वेव भी बोला जाता है. एक्चुअल नाम इसका वोला कास्ट व्हाइट है. इसकी क्वेरी है बेसिक ग्रिस से क्वेरी होता है ये मटेरियल, और व्हाइट में ये भी हाई डिमांड प्रोडक्ट है. बेसिक अगर इसकी हार्डनेस की बात करें तो एज पर कम्पेयर टू माइकल ये उतना हार्ड नहीं है. इसको अपन क्लैडिंग में यूज़ कर सकते हैं अच्छे से. अच्छा, क्लैडिंग में बहुत अच्छा लगेगा. और अगर अपनी क्लैडिंग का एरिया बहुत बड़ा है और वॉल क्लैडिंग एरिया अपना हाइटेड है, अच्छी हाइट है, तो अपन यूज़ कर सकते हैं इस मटेरियल को. ठीक है जी, वोला कास्ट व्हाइट. अब एक और यूज़ है, वो है फर्नीचर, जहाँ पर इटालियन मार्बल को या इम्पोर्टेड मार्बल को फर्नीचर, स्पेशली डाइनिंग टेबल टॉप्स, बिल्कुल उनमें बहुत पॉपुलर है वो. बहुत सर, अभी आप अगर बात करें तो लास्ट टाइम भी अपना जो क्लैपटॉप का वीडियो शूट हुआ था, तो हमारे पास फर्नीचर जितने भी आपके दिल्ली NCR प्लस पैन इंडिया जितने भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, तो दे आर परचेजिंग इन बल्क क्वांटिटीज फॉर टेबल टॉप्स. ऑलराइट, दे आर मेकिंग डाइनिंग टेबल टॉप्स, सेंटर टेबल टॉप्स, बिल्कुल, एंड साइड टेबल टॉप्स, मतलब फर्नीचर में अच्छा इस्तेमाल हो रहा है. बिल्कुल, बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, प्लस राइट नाउ बहुत अच्छी डिमांड है. ओके, अभी हम क्या देखेंगे? अब आपको कुछ एक बार कलर्स गो थ्रू करवा देता हूँ मैं. संजीव जी, ये कौन सा कलर है? ये शिफोन बेज. अच्छा, ये बेसिक कलर टिंच आपको ग्रे मिलेगा, बट एक्चुअल क्वेरी का नाम शिफोन बेज है इसका. शिफोन, ये भी बहुत एक सूथिंग कलर है. आपने देखा होगा कोई भी अच्छी प्रॉपर्टीज की फ्लोरिंग में अपन को ये देखने को मिलेगा. राइट, बहुत टेस्टेड प्रोडक्ट है, लास्ट 15 टू 20 ईयर से बहुत यूज हो रहा है ये मटेरियल भी. और ये मटेरियल हमारे पास आपको 230-250 की प्राइस में 18 mm थिकनेस में अवेलेबल मिलेगा. एनी टाइम, एट एनी टाइम आप आ सकते हैं, कोई भी आपका व्यूअर कोई भी हमें बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं. ये कौन सा राज, ये वाला? ये सर बेसिक बर्बरी बेज है, बहुत ट्रेडिशनल मटेरियल है, लास्ट 20-25 ईयर से बहुत यूज हो रहा है. ये बेसिक प्रोजेक्ट्स में बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट रहता है हमारे पास बर्बरी बेज. अच्छा, इसकी प्राइस रेंज की बात करी तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली मटेरियल है, 215 से 220 के बीच में वैरी करेगा, 215-220. ठीक है, बिल्कुल done. बर्बरी बेज अच्छा मटेरियल है, एक डार्क बेज कलर बोल सकते हो आप, और लाइक चॉकलेट कलर बोल सकते हो आप इसे. बहुत अच्छी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा डिमांड है. रैंडम पैटर्न में, बिल्कुल रैंडम पैटर्न में चलेगा संजीव जी. ये तो NSL है, ये बिल्कुल NSL. अब आप भी पहचानने लग गए, आप लोगों के साथ इतनी मुलाकात होती है हमारी. बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, ये बेसिक NSL है. ये भी आपको हमारे पास अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग लॉट्स देखने को मिलेंगे NSL में. NSL बेसिक टूनिशिया का मटेरियल हो गया. अच्छा, या जी, इसकी जो क्वेरी है बेसिक टूनिशिया में NSL. और ये बेसिक अगर इसकी डिमांड की बात करी जाए तो ये मटेरियल ज्यादा अपन पाउडर रूम्स, बाथरूम्स, प्लस स्टेयर केस, प्लस कुछ हाईलाइटेड एरिया, तो उधर ज़्यादा डिमांड रहती है इस प्रोडक्ट की हमारे पास. ऑलराइट जी, ठीक है. इनको लोगों ने टेबल पे भी अच्छा इस्तेमाल किया, बिल्कुल टेबल टॉप्स पे भी. बिल्कुल टेबल टॉप्स पे भी बहुत अच्छा. और फुल बॉडी होने की वजह से आप उनकी टेपरिंग वगैरह करते हैं या बिल्कुल या डबल नोज करना है आप? हाँ, तो बहुत अच्छा मटेरियल है ये, बहुत अच्छा मटेरियल है, टूनिशिया का मटेरियल है. ये कौन सा है, प्योर ब्लैक में? ये प्योर ब्लैक, ये साउथ ब्लैक ग्रेनाइट है बेसिक. अच्छा जी, हम जो ग्रेनाइट का कलेक्शन है हमारे पास आपको मिलेगा, बट लिमिटेड जो सेलेक्टिव ग्रेनाइट्स हैं उनका कलेक्शन हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है उनकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है ग्रेनाइट की फॉर किचन टॉप्स एंड प्लस पोच एरिया. अच्छा, सो हम कस्टमर के लिए थोड़ा बहुत हमें मेंटेन रखना पड़ता है ग्रेनाइट. ऑलराइट, बिल्कुल. चलिए, मेनली फोकस हमारा जो है वो इटालियन मार्बल. बिल्कुल इटालियन एंड इंडियन मार्बल मकराना जी. ठीक है, आइए. ये बहुत ट्रेडिशनल था जो पीछे गया अभी, बोटाचिनो. बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा, बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्डर ने पिछले कई सालों में काफी. बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली NCR में. हाँ, उसमें भी हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में बोटाचिनो सर्व कर रहे हैं जी. ठीक है, राइट नाउ अब एक बहुत अच्छी, एक अच्छा मटेरियल दिखाने जा रहा हूँ संजीव जी आपको. ये देखिए आप, मोका क्रीम. अच्छा, मोका क्रीम एक लेदर फिनिश का टेक्सचर है. बिल्कुल, अच्छा, ये हमने फिनिश दिया है. बिल्कुल बिल्कुल, लेदर और हाइड्रो फिनिश कर रखा है. अच्छा, हमने इसे, ये भी एक पोर्चुगल का लाइम स्टोन है. अच्छा, ये बेसिक पोर्चुगल का एक लाइम स्टोन है. ये बेसिक हमारे पास हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है अभी. ये क्लैडिंग पर्पस में बहुत यूज हो रहा है. एग्जैक्टली, मेरा आउटर क्लैडिंग एक्सटीरियर पर्पस में बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है. और प्लस इसकी भी हमारे पास एनी टाइम आपको 50,000 से 60,000 स्क्वायर फीट क्वांटिटी अवेलेबल मिलेगी मोका क्रीम में. प्लस मोचा क्रीम एंड मोका क्रीम एंड लिम्रा, डिफरेंट नेम्स. ऑलराइट, बिल्कुल.
आपने बताया कि आपको एक्सटीरियर में जो यूज कर सकते हैं इंटीरियर में, तो आप बिल्कुल और अच्छे से यूज कर सकते हैं। जो चीज एक्सटीरियर यूज होगी इंटीरियर इजीली होगी, बिल्कुल राइट, वो तो दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काफी अच्छा इसका लुक है, बहुत अच्छा लुक है इसका, थोड़ा सा रफ है जी। हां ये रफ यूज है, और इसमें अगर प्लेन यूज चाहिए तो प्लेन भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं, और अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है कि हमें लेदर फिनिश और हाइड्रो फिनिश चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन जी। ये पूरा एक लॉग है कि शीट है कटे हुए? ये पूरा एक ब्लॉक है संजीव जी, पूरा ब्लॉक बेसी की एक ब्लॉक है। अब ये जो कुछ पीसेज है ये मेजरमेंट में डायरेक्ट हो जाएंगे, बट हाँ ये कस्टमर के यूज आएंगे, तो ये बेसिक एक ब्लॉक कट कर रखा है हमने पूरा। अच्छा, इसमें क्या है अंदर? ये लासा वाइट का लॉट है। लासा वाइट का, बिल्कुल वियतनाम से जो लासा वाइट इम्पोर्ट होता है उसका ब्लॉक है बेसिक। चलिए, अब आपको एक कलर और दिखाता हूँ संजीव जी फॉर हाइलाइटर पर्पज। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। सी दिस संजीव जी, लुक एट द फ्रेंच ब्राउन, बहुत अच्छा मटेरियल है। आपने बहुत जगह ऑलरेडी इस मटेरियल को देखा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बहुत मतलब पुराना मटेरियल हो चुका है, बट आज भी हाई डिमांड मटेरियल है ये फ्रेंच ब्राउन। ओके, ये भी हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, प्लस इसकी प्राइस रेंज भी हमारे पास बहुत नॉमिनल है, 240 rupees, 18 mm थिकनेस। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। 18 mm आपने हर बार मेंशन किया इस बारी। बिल्कुल सर, एक्चुअली थिकनेस में बहुत वेरिएशन होता है कोस्ट का। अगर अपन बात करें कि जहाँ पे एक ब्लॉक 22 टन का है, जहाँ पे 25 स्लैब निकलने हैं 16 mm में, वहाँ पे 18 mm में जाके वो आधे स्लैब्स हो जाते हैं, 15 स्लैब हो जाते हैं सीधा सीधा। ओके, तो थिकनेस वेरी से कोस्टिंग का वेरिएशन आता है थोड़ा, तो हम इसीलिए पहले ही मेंशन करते हैं कि हम ग्लोबली स्टैंडर्ड थिकनेस जो भी 18 और 20 mm उसी में प्रोसेस कर रहे हैं हम। बिल्कुल ओके, बिल्कुल संजीव जी, आई थिंक वी आर डन विद दिस। बिल्कुल, आइडिया इज बेसिकली आपके साथ वॉक एंड टॉक करने का ये है कि अगर कोई और भी अगर हमसे कुछ छूट गया हो बाय एनी चांस एंड समबडी वांट्स टू बाय, दे कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट। बिल्कुल जी, ऐसे अपने पास बहुत अलग अलग टेक्सचर्स है, जैसे अपन एक ये देख रहे हैं फ्योर्डी वेस्को, ये भी एक बहुत यूनिक टेक्सचर है, ग्रे में व्हाइट वेव्स देखने को मिलेगी। ये हाइलाइटर्स स्टेयर्स में बहुत अच्छा लगता है ये मटेरियल। ये क्या प्राइस रेंज में होगा? इसकी प्राइस रेंज 300 rupees के बीच में वैरी करेगी। ऑलराइट, बिल्कुल डन। अब हम कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे आपसे। बिल्कुल, कि जब भी आपके पास लोग कॉल करते रहे, हाँ, तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, डू यू वांट टू कन्वे अ मैसेज कि अगर लोग अपनी रिक्वायरमेंट आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये आपसे पूछते हैं कि क्या अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल एक्चुअली हमारे पास जो कॉल्स आते हैं तो पहले हम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यही बोलते हैं कि बेसिक अगर आपकी क्वांटिटी मोर देन 1500 square feet है और स्पेशली इन माइकल तो दे कैन कॉल, और बाकी अगर अपन क्लब करके इंडियन माइकल एंड प्लस सम इंडियन मटेरियल और इटालियन कलर्स तो 2500 एक वाइबल क्वांटिटी रहती है हमारे पास। अच्छा, कि 2500 हम पैन इंडिया सर्व कर सकते हैं, वो कस्टमर के लिए भी वाइबल रहेगा क्योंकि ये कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ईजी मिलेगा, कि मतलब ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा वेरी नहीं कर पाएगा, तो एक वाइबल सॉल्यूशन है कि 2500 square feet 2500 square feet क्वांटिटी रहती है, तो वो सबके लिए फिजिबल रहता है। डन, बिल्कुल। All right, so end of this. जी, we'll see you very soon. जाने से पहले एक बार फिर से बता दें कि beware of people. आजकल मार्केट में हम तमाम तरह के आपको बिल्कुल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, प्राइस रेंज भी लोग दिखाते हैं, थंबनेल भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपके एंड से भी और हमारे एंड से भी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके साइड से यानी कि जो मार्बल बिजनेस जो कंटेंट क्रिएटर है बिल्कुल वो भी गलत करते हैं, वो भी कभी कभी ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं जो मुझे लगता है रीजनेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो यही है संदीप जी, जो भी बेसिक मैं कोई भी व्यूअर्स हूँ चाहे, हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि कोई भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से डील करे वो डायरेक्टली, जैसे हमारा जो मार्केट का नाम है वो भी ख़राब ना हो। बिल्कुल, एक मार्केट की जो रेपुटेशन में थोड़ा फर्क पड़ा है तो वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट, नाइस मीटिंग यू, विल सी यू वेरी सून, फिर मिलेंगे आपसे। ग्रेट संदीप जी, थैंक यू वेरी मच।